हेलो फ्रेंड, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी, जो बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं और पनीर की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी हमारी कुछ इस तरह बनने वाली है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 300 ग्राम पनीर। मैं पनीर को थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में कट करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं सारा पनीर पहले कट किए लेती हूँ, फिर चलती हूँ आगे की प्रोसेस की ओर। तो मैंने यहाँ पनीर को कट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ रखी हुई है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता। सारी चीज़ों को हम अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन, खड़ा लहसुन मैंने छील के रखा हुआ था। इसके बाद मैंने ये कुछ मिर्च यूज की हुई हैं, जो मेरे पास हरी मिर्च रेड होने लगी थी उनका यूज किया है मैंने। इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर प्याज। प्याज के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से पकाना है, तेल में अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इस सारी चीज़ों को हम मिला के इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, धीमी आंच में पकाना है मुझे। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम भी धीमा कर दिया था। तो यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो मसाले पनीर के लिए तैयार किए हुए हैं, पक्के तैयार हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल लिया है और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डाला हुआ है। तो यहाँ हम तेल को डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म होने के बाद मुझे इसमें पनीर को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा मुझे तेल नहीं लेना था। तो यहाँ हम पनीर को इसमें हल्का हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ मुझे इसको धीरे धीरे पलटना है, बहुत ज़्यादा कलछी की सहायता से इसको नहीं चलाना है, नहीं तो टुकड़े टूटने लगेंगे। तो हम इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। तो यहाँ हमारा पनीर कलर बदलने लगा है। तो यहाँ इसको हम थोड़ा और अभी गोल्डन होने देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पनीर फ्राई हो चुका है। तो हमने इसको निकाल लिया है। सारे पनीर को हम निकालने के बाद उधर हमारे जो मैंने मसाले भून के रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो इनको हम एक मिक्सर के जाल में लेके सारे मसालों का पेस्ट बनाएंगे। तो सारे मसालों को हम इसमें डाल लेते हैं और इसका मुझे पेस्ट बना के तैयार करना है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को डाल लिया है और जार को कर दिया है बंद। तो चलिए चलते हैं, फटाफट इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा पेस्ट बन के हो गया है तैयार। आप लोग देख सकते हैं मुझे इस तरह से पेस्ट बनाना है। इसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डाला हुआ था। इसके तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता। सारी चीज़ों को पकने के बाद मैंने डाल दिया है लहसुन। लहसुन को गोल्डन हो जाने देंगे। लहसुन हमारा गोल्डन हो चुका है। इसके बाद मैंने डाल दिए हैं जो ये पेस्ट बना के रखा हुआ था। पेस्ट को मुझे अच्छे से पकाना है, जब तक कि हमारा पेस्ट तेल ना छोड़ दे आसपास से। तो हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया। तो इन सारी चीज़ों को हम पानी डाल के इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी डाल के मसालों का पेस्ट बना लिया है। उधर हमने जो
प्याज टमाटर की प्यूरी बना के तैयार की हुई थी वो हमारी पक चुकी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, इनको भी मुझे पकाना है अभी, तो इसको भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि हमारे मसाले आसपास से कढ़ाई ना छोड़ दें, कढ़ाई से मसाला अलग होने लगे। तो हमारा मसाला आप लोग देख सकते हैं अब कढ़ाई में आसपास बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसके बाद मैंने डाल दी है यहाँ पर कस्तूरी मेथी, हाथ से मैश करके डाली है, तो इसको भी हम अच्छे से मसालों में मिला देंगे। इसके बाद मैंने जो पनीर को फ्राई करके रखा हुआ था उसको भी हम इन्हीं मसालों में मिलाएंगे। तो यहाँ पनीर को हल्के हल्के कलछी की सहायता से अच्छे से मिला देंगे मसालों में। तो यहाँ हमारा रेडी हो गया है पनीर मसालों में मिलके। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ढक देंगे, आंच को धीमा कर देंगे। तो यहाँ मैंने गैस धीमी कर दी है और 2 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमारे मसाले अच्छे से खुशबू देने लगे हैं और पक्के तैयार हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ गया है मसालों में। इसके बाद हम अब इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी हमें अपने मात्रा के अनुसार डालना है, आप ज़्यादा रसे वाली सब्जी खाएं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसमें हम खौला जाने देंगे। तो यहाँ हमारा मसाला पकने लगा है, इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो हमने यहाँ 5 मिनट के लिए ढक दिया है और गैस को मैंने धीमा कर दिया है। तो यहाँ हमारे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारी बनकर लगभग तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी रोगनी मिर्च, जिससे हमारी सब्जी का कलर और अच्छा आ जाएगा। अभी हम थोड़ी देर इसको धीमी आंच में और पकाएंगे। अब मुझे इसको ढकना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं सब्जी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करके करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।